सही है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो श्रेडिट एप्स बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो थक जाते हैं लेकिन हमारे ऐप्स नहीं बन रहे, और घंटा घंटा तक, 2 घंटे तक रोज ऐप्स को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत है और ये नहीं करना चाहिए। आप लोगों के लिए मैं एक आसान तरीका लेकर आया हूँ जिसमें हम ऐप्स के वर्कआउट को डिवाइड करेंगे। जिस तरह मंडे को हम आएंगे, जब मंडे को हम आएंगे तो हमारी जो पहली वर्कआउट होगी वो हम अपर ऐप और साइड ऑब्लिक, साइड ऑब्लिक मतलब साइड एक्सटर्नल वो है, वो अपर ऐप है, वो हम ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे इसको रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा मसला है, ठीक है। अगर आप उनको इतना स्ट्रेस करोगे तो ये खत्म हो जाएगा और टूट जाएगा और फिर ये ऐप नहीं बनेंगे आपके। तो इसके लिए आपको तकरीबन 24 घंटे 48 घंटे रेस्ट करना चाहिए। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, पहले अपर ऐप है इसको हम ट्रेन करेंगे और इसके साथ ही सुपर सेट होगा एक्सटर्नल ऑब्लिक्स की। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले अपर बॉडी और एक्सटर्नल, और ये होगा आपका स्टार्ट मंडे से, अगर आप मंडे से ऐप लगाओ तो। नेक्स्ट डे हम फिर करेंगे इंटरनल ऑब्लिक और पे लोअर ऐप है उसको हम ट्रेन करेंगे। और इसमें आप लोगों ने ये करना है कि इसको हमने सुपर सेट बनाना है, सात जितनी भी सेट्स है उनका हमने सुपर सेट बनाना है। और दूसरी बात, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क भी इसमें शामिल है, लेकिन स्मार्ट वर्क ये है कि आप लोगों ने इसमें डाइट जो है ना, डाइट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐप जो है ना वो हार्ड वर्किंग से नहीं बनते बल्कि डिसिप्लिन से बनते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को एक एक करके वो वर्कआउट मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये स्टूडेंट जो लवर है ना, जो चाहता है मेरे ऐप्स ऐप हर वक्त ऐप, लेकिन वो कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहे हैं इसमें, वो गलतियाँ आज मैं दूर करने वाला हूँ। वो गलती ये है कि वो बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा 2-2 घंटे वो, और हर रोज वो उसको ट्रेन करते हैं, और ये जो ऐप्स है वो बहुत छोटे हैं, ये दूर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट वर्कआउट। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले हम अपर एब्स और एक्सटर्नल ऑब्लिक, एक्सटर्नल जो साइड्स है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले जो वर्कआउट है वो पुश थ्रू है, जो मैं लगाने वाला हूँ, आप एंगल चेक करें। तो इसके हम 3 सेट लगाएंगे और 15 से 20 रिपीटेशन हम लगाएंगे। अभी इसको हम सुपर सेट करेंगे रो क्रंचेस के साथ। तो इसका एंगल है ये, इसके भी 3 सेट और 15 से 20 रिपीटेशन हमने लगाने हैं। तो चलो हम नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट है हमारा वो है डिक्लाइन क्रंचेस, इसके हम 3 सेट लगाने के 15 से 20 रिपीटेशन। अब डिक्लाइन क्रंचेस हमने लगा ली, इसको हम सुपर सेट कराएंगे वुड चॉपर के साथ। तो आए मैं आपको वुड चॉपर का एंगल है वो बताने, इसके भी 3 सेट है 15 से 20 रिपीटेशन। ये फुल मूवमेंट है, अब हमारा जो तीसरा वर्कआउट है वो है साइड डंबल्स और उसके साथ ही प्लैंक्स। तो भाई बोला उसकी भी हमने 3 सेट लगाने हैं, 15 से 20 रिपीटेशन रखनी है और सुपर सेट करना। अब इसको हम सुपर सेट लगाएंगे प्लैंक हमने लगाने, 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक आप लगा सकते हैं, जितना भी आपका स्टैमिना है, 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक।
नहीं किसी भी एंगल। पेट को बिल्कुल अंदर की तरफ खींच लें और ये पोजिशन रख लें। आपने होल्ड करना है अपने पेट को। ये हमने लगाना है मंडे को, और नेक्स्ट डे जब हम लगाएंगे तो हमने लोअर एब्स और इंटरनल ओब्लिक साइड ओब्लिक को हमने ट्रेन करना है। तो हमारा सबसे पहला जो वर्कआउट होगा लोअर एब्स और इंटरनल ओब्लिक का, वो होगा रिवर्स क्रंचेस, और उसके साथ ही सुपर सेट हम करेंगे नीज रेज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तीन सेट लगाएंगे और 15 से 20 रिपीटेशन रखेंगे, उसके साथ सुपर सेट करना है हैंगिंग नी रेज। ये भी 15 से 20 रिपीटेशन हमने लगाने हैं। तो आज चलते हैं हमारी दूसरी वर्कआउट। जो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है वो है वी क्रंचेस और प्लैंक साइड टू साइड। तो आए हम स्टार्ट। ये इसका एंगल है और इसके हमने लगाने हैं तीन सेट और 15 से 20 रिपीटेशन, और इसको हमने सुपर सेट करना है साइड प्लैंक के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। ये एक साइड रैंक, वो भी इसी साइड रैंक करना है 15 रिपीटेशन और तीन सेट। इसको हमें सुपर सेट करना है वी क्रंचेस के साथ और इस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्कआउट। सो नेक्स्ट और आखिरी जो हमारा वर्कआउट है वो है साइड रेज, और इसके साथ हम सुपर सेट करेंगे वो है लोअर बॉडी प्रेस। तो आते हैं अपने वर्कआउट में। कोशिश करना है कि लोअर जो बॉडी है वो आप लोगों ने ट्विस्ट करनी है। दोनों वर्कआउट को आप लोगों ने कंबाइन लगाना है, ठीक है। और ये होगा सुपर सेट, और हर वर्कआउट की तीन सेट है, 15 से 20 रिपीटेशन है, और इसके साथ ही डाइट को इम्पोर्टेंट रखो, क्योंकि डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका 100% डाइट है, ठीक है। अगर आपका डाइट नहीं है तो आपके एब्स नहीं बनेंगे। डाइट बहुत ज़रूरी है, हेल्दी चीज़ें खाओ, ऑयली चीज़ें, शुगर और चीज़ से बचो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी करो और कंप्लीट वॉच करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान तौफीक का जो मेरा हेल्प कर रहा है इस वक्त, और बहुत ही गुस्से में है।